Hey guys, kitna ji, this is your MNV. Welcome back to my channel. It's our day 6 in Dubai and hum seedha aa chuke hain Dubai Mall for shopping. Jaisa maine aapko bataya tha, full comfy clothes, yahan pe bhi full jeans, t-shirt and saath mein ma'am leke aaye hain khali bag. सूटकेस अगर शॉपिंग होती है तो इसी में कैरी कर लेंगे, इजीयर रहेगा. वो बैग्स उठाना बहुत सिर दर्द होता है भी इतना बड़ा मॉल की ये हमने दीक्षा की स्टोरी देखी थी. शाउट आउट टू दीक्षा, दीक्षा खुराना से हमने आइडिया चुराया एंड ये हम कैरी करने वाले हैं. सो यस, हियर इज द एंट्रेंस. जाते हैं पर पहले करेंगे हमारा लंच, बिकॉज हमने आज ब्रेकफास्ट स्किप किया था. आज हम थोड़ा रूम चेंज कर रहे थे होटल में, तो पहले जाके लंच करते हैं एंड फिर करते हैं स्टार्ट हमारी शॉपिंग. जैसा आपको बताया था कि अब तो चिल डे है, दो दिन पूरा यही होने वाला है, घूमेंगे बस, दुबई एंजॉय करेंगे एंड शॉपिंग करेंगे. ये द फन बिगिंस. सो गाइस, आज का लंच हमारा होने वाला है वागामामा में, जहाँ पे हमने जब हम बेल्जियम गए थे हमने तब भी यहीं पे किया था एक बारी. बहुत ही क्रेजी एशियन रेस्टोरेंट है, बहुत टेस्टी होती है, इनका राइस एंड करी बहुत टेस्टी होती है. तो आज का लंच होने वाला है हमारा यहाँ. तो गाइस, आवर फर्स्ट शॉपिंग ऑफ द डे इज डन. जो हमने चीज बाय की है, हमने फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में बाय की है. हम फैसिनेट तो बहुत होते थे जब भी हम घूमने जाते थे, उसका स्टोर देखते थे, बट हमने फाइनली ले लिया लेगो, आवर फर्स्ट लेगो हमने साथ में बाय किया. हमने क्या बाय किया है वो आपको रूम में जाके बताएंगे. अभी के लिए लेट्स कंटिन्यू विद आवर शॉपिंग. उन्नति की तो शॉपिंग चल ही रही है, वो आई थिंक गई हुई है ऊपर अर्बन आउटफिटर्स में. मैं तब तक कॉफी पीने आ चुका हूँ, मैंने ले ली अपनी आइस लाते. मेरे बड़े क्यूट से पीनट्स के पफ्स टाइप्स हैं, पीनट्स बाइट्स बहुत टेस्टी हैं, तो ये मैं खाऊंगा अपनी कॉफी के साथ. मेरा कॉफी का टाइम हो चुका है, शाम को मेरे को कॉफी चाहिए होती है. क्या मैं अपने यहाँ पे कॉफी इंजॉय करूंगा सोलो डेट, एंड उन्नति को तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा, शी इज शॉपिंग फुल पावर. तो वो अर्बन आउटफिटर से जब फ्री होगी तब वापस आएगी एंड फिर मैं अपनी कंटिन्यू करूंगा शॉपिंग. मैंने अभी ब्रेक लिया, मेरे को ब्रेक चाहिए होता थोड़ा थोड़ा बीच में. मैं इतना लगातार शॉपिंग नहीं कर सकता, मैं तो थक जाता हूँ. एक तो वो सपोरा गई थी, मैं तो उसमें थक गया था, कॉफी ब्रेक चाहिए. हाँ जी मैम, लिया कुछ अर्बन आउटफिटर से? थोड़े बहुत कपड़े. व्हाट इज द नेक्स्ट स्पॉट, एनी आइडिया? नॉट रियली, जस्ट वॉकिंग. अच्छा, गोइंग बाय द फ्लो. अभी देखते हैं कोई और ढूंढते हैं. मेरे को तो थोड़ा स्पोर्ट्स वाली शॉपिंग करनी है. लेट्स गो टू नाइकी और एडिडास और जॉर्डन. न्यू बैलेंस के शूज चाहिए? वो तो मिल जाएंगे. हाँ, यहाँ पे मिल जाएंगे. अच्छे उन्हें जी, तेरे नाम का भी है शोरूम. सो गाइज, हैप्पी डे हो गया बहुत ज्यादा, बिकॉज उन्नति को म्यू म्यू से कब से एक चश्मा चाहिए था. हाँ. जो उन्नति को मिल गया एंड मेरे को कब से प्राडा से एक शूज चाहिए थे जो मेरे को मिल गया. दोनों सेम ही ब्रांड है, सिस्टर ब्रांड ही है, प्राडा की म्यू म्यू, एंड दोनों हमारी मेन शॉपिंग हो चुकी है, डन. आई गॉट द शूज फ्रॉम प्राडा एंड उन्नति इज गॉट शेड्स फ्रॉम म्यू म्यू. और कोई ब्रांड के शेड सूट नहीं करते. ये वाले तो बहुत अच्छे मिल गए, मतलब दिस इज सच अ डिफरेंट ओल्ड मनी एस्थेटिक वाइब्स. आपको दिखाते हैं बाद में जाके, बच मजा आ गया. ये हैप्पी डे, ओ हैप्पी डे. दुबई नेवर डिसअपॉइंट्स. जो आपको चाहिए होता है हमेशा मॉल से मिल ही जाता है. मतलब दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दुबई मॉल या फिर दुबई शॉपिंग कहीं पे भी. जो चीज आपको पूरे वर्ल्ड में, अरे क्यूटी लिप्पा, जो आपको चीजें पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलेगी ना, वो आपको दुबई मॉल में मिल जाती है. मैंडेटरी स्टोर, आवर फेवरेट ब्रांड, लेट्स गो. यहाँ का नाइकी इतना बड़ा मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब मैसिव. नाइकी टाउन बोलते हैं, मतलब पूरा फ्लोर ही नाइकी है. नाइकी एयर का अलग सेक्शन है, जॉर्डन का अलग सेक्शन है, नाइकी एयर मैक्स का अलग सेक्शन है, सबके अलग अलग सेक्शन है, फुटबॉल बास्केटबॉल हर स्पोर्ट का, यहाँ से लेके
यहाँ तक, गोल्फ का भी अलग है। गोल्फ के यहाँ पे पड़े कपड़े बास्केटबॉल के आगे पड़े हैं, लिवरपूल के पड़े हैं। बहुत बड़ा भाई है वाला नाइकी, नेक्स्ट लेवल, लेजेंड द नाइकी टाउन। मैंडेटरी नाइकी शॉपिंग डन, ये तो जरूरी है, मतलब दिस इज आवर डेली वेयर, बिकॉज मैं अरुण थी मोस्टली घर पे नाइकी ही डालते हैं, तो ये हमने बिल्कुल बेसिक अगर आपको दिखाएं, कलर भी इतने न्यूट्रल उठाए ना, वाइट ब्लैक ग्रीन, जो मतलब रोज हम डाल सकते हैं, तो नाइकी से हमारी डेली शॉपिंग हो चुकी है डन। Let's go. It's time कि हम थोड़ा सामान बैग में डाल दे अच्छे से रख के, बिकॉज बहुत सारे पॉलीथिन हो चुके हैं अब तो, ऐसा पकड़ना मुश्किल हो गया है। इट्स नॉट पॉसिबल। यस, अरे फ्री फ्री बैग मेरे को भी मिला था यार, कहाँ गया, ज्यादा बड़े वाला मिला था। अरे तो अभी हम ये सेटिंग करेंगे एंड थोड़ा एक कैफे में आ चुके हैं जिसका नाम है मिंट, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे 15-20 मिनट। खाना ऑर्डर किया, चिकन एवोकाडो सैंडविच ग्रीन टी, एंड उन्नति अभी ऑर्डर करेगी पीने के लिए कुछ। थैंक यू, सच अ क्यूट क्रॉकरी, कितना प्यारा है ये उन्नति, एस्थेटिक तो है। दुबई के कैफेज नेक्स्ट लेवल है, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतने एस्थेटिक कैफे मैंने आज तक कहीं पर नहीं देखे हैं, मतलब मॉल के अंदर इतने क्रेजी क्रेजी कैफेज है ना। ये वाला भी देख लो, ये जस्ट एक कॉर्नर पे ऐसा कैफे है, क्या बढ़िया वाइब है। शॉपिंग करते करते अगर थक गए हो हमारी तरह, तो जस्ट आओ एंड अपनी चाय कॉफी पियो एंड गो अगेन। सो गाइस, हमने फिर एक ब्रेक मार लिया बीच में, बिकॉज रास्ते में आ गया था पापा रोटी, एंड हमने इतना सुना है इसके बारे में, इनके बंस के बारे में, हमने कहा रुकना ही पड़ेगा एंड ट्राई करना ही पड़ेगा। उन्नति ने ऑर्डर किया न्यूटेला एंड मैंने ऑर्डर किया बिस्कॉफ, दोनों काफी वो फेवरेट है। इसे प्लेन बन बहुत लोग खाते हैं, इसका प्लेन भी बहुत फेमस है, तो ट्राई करते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम है। लेट्स सी व्हाट्स द रिव्यू, हाउ इज द न्यूटेला बन, व्हाट, टू गुड, एक्सट्रीमली गुड, मस्ट ट्राई, ब्रेड में मेल्ट हो रहा है, वही बोलते हैं इसका इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि मेल्ट ही हो जाता है। 10 on 10 10 on 11 on 10. It's Manav's turn now. Let's try the biscoff one. Oh my god, death hai ye to, it's too good guys. Agar aapko ye kahin bhi dikh jaye papa roti, please try karna ye, it's amazing. Manav, I was lost, it was that tasty, too good. दिमाग खराब हो गया गाइस, इफ यू आर कमिंग टू दुबई, दुबई मॉल में एंड और भी बहुत जगह है, ट्राई इट, दिस इज द बेस्ट ब्रेड आई हैव एवर हैड, ओह माय गॉड। सो गाइस, दिस इज अ स्टोर इन दुबई मॉल नेम्ड बास्केटबॉलिस्टा, हाउ कैन आई नॉट शॉप फ्रॉम अ प्लेस व्हिच इज कॉल्ड बास्केटबॉलिस्टा। यू गाइस नो कि हाउ मच आई लव बास्केटबॉल, एंड दिस इज अ सेपरेट स्टोर जस्ट फॉर बास्केटबॉल क्लोथ्स एंड शूज एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट प्लेयर्स यूज, या सबकी करी की अलग से पड़े हैं, गियानिस की अलग से पड़ी है, लेब्रॉन की अलग से पड़ी, तो ऐसे हर प्लेयर के डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंडाइज, सबकी क्लोदिंग शूज सब अलग करके रखे हुए हैं, तो हाउ कैन आई नॉट परचेज इट फ्रॉम हियर। सो मैंने एक दो चीजें ली हैं, हैप्पी बॉय। बास्केटबॉल का मैं कुछ भी लेता ना, मर्च या शूज, मेरा दिन बन जाता है। आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, यस, लेट्स गो होम। चलो, सो गाइस, वी आर बैक टू आवर होटल आफ्टर द शॉपिंग, काफी लंबी स्प्री हो गई, बट वी आर डन, बट दुबई में आपको पता ही है होती है, मतलब ऐसे ब्रांड्स हैं जो कभी कभी आपको नहीं मिलते इधर उधर, सो हमने अच्छे से टाइम लगा के शॉपिंग कर लिया, दैट इज डन, नाउ वील डू सम रेस्ट अभी हमारे रूम में, दैट वाज चिलिंग टाइम, एंड ऑल्सो आई वाज जस्ट, हम बैठ के इंस्टाग्राम वगैरह देख ही रहे थे, सो आई सॉ अ लॉट ऑफ कमेंट्स, एडिट्स एंड क्या बोलते हैं, questions about blocking each other or something. So, uske regarding I wanted to clear out some things. A lot of people also asked me about ki apne unfollow kyun kiya tha. So, about that thing I want to clear out now because maine kiya nahi tha kahin pe, because aisa hum ek video bhi banani thi but wo bana hi nahi paaye hum kabhi because bahut kam time tha ki sab saath mein the. But wo unfollow ka reason bahut hi straight forward hai meri side se, because मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि दैट पर्सन हैज चेंज्ड, मेरा शुरू से ऐसा है जब मैं किसी के लिए करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब इफ आई एम क्लोज टू समवन तो मैं अपना 100% देता हूँ एज अ फ्रेंड, आई हैव वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स फॉर माय फ्रेंड उस वे में, बट जब कोई चेंज हो जाता तो मेरे को बहुत ऐसा बुरा लगता है पर्सनली, एंड मेरे को ऐसा लगा था कि शी हैज चेंज्ड अ लॉट
बट वो ऐसा हिट नहीं हो रही थी बात, वो ऐसा होता था कि मतलब कोई रीजन होगा कि किसी चीज के कारण हुआ होगा, दैट आई डोंट नो एंड दैट आई थिंक आई विल नेवर नो, बट मेरे को ऐसा लगा कि कुछ हुआ होगा, बट इट्स ओके. बट वो एक पॉइंट आता है ना जब हिट करती है कोई चीज, आई थिंक वो हिट करने वाली चीज मेरे लास्ट बर्थडे पे थी, बिकॉज मेरे को एक टेक्स्ट भी नहीं आया था बर्थडे पे, एंड उस दिन मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बहुत हिट की चीज की, मतलब इतने क्लोज फ्रेंड्स थे एंड एकदम से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया, एंड वो मेरे को बहुत ज्यादा हिट की थी बात, इसलिए मेरी साइड से मैंने अनफॉलो किया था. मेरे को एडी का भी टेक्स्ट आया था बर्थडे पे, एंड एडी को भी मैंने विश किया था बर्थडे पे, बट नहीं आया तो मेरे को बहुत एक्सट्रीमली हिट की थी चीज, एंड मैंने अनफॉलो किया था उस टाइम पे. दैट इज द रीजन फॉर फ्रॉम माई साइड, एंड नेवर नेवर ब्लॉक्ड हर, एंड आई नेवर हैड बैड फीलिंग्स फॉर हर. आई ऑलवेज विश हर द बेस्ट. शी वॉज अ वेरी 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 गुड फ्रेंड टू मी, एंड हमारा कुछ भी नहीं, नेवर हमारी एक बारी भी कभी लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है, बट आई डोंट नो द रीजन कि कैसे हुआ ये इतना कट ऑफ, बट जो भी हुआ मेरी मेरी तरफ से इट्स नेवर गोना बी 1% ऑफ बैड फीलिंग फॉर हर, या तो नेगेटिव कुछ भी. ऑलवेज विश हर द बेस्ट, एंड उन्नति की साइड से आई सीन अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स, आई एम फेड अप ऑफ सीइंग हेट कमेंट्स फॉर उन्नति, बिकॉज आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. मैंने अनफॉलो किया तो मेरे लिए तो फिर भी आ रहे थे, तो मैं समझता भी हूँ बिकॉज मैंने किया. उन्नति के लिए आई नेवर एवर अंडरस्टैंड, बिकॉज शी हैज डन 200% फॉर एवरी वन इन द ग्रुप, मतलब इसने जितना किया है उसने उतना किसी ने नहीं किया. रुक जा। एंड अरे एंड मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मतलब उन्नति ने कभी, उन्नति ने अनफॉलो भी नहीं किया, एंड ब्लॉक तो शी नेवर डू तो कभी भी, एंड वो अगर उस साइड से हुआ है तो उसका कुछ रीजन होगा, विच अगेन वी डोंट नो. ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट अस, वी डोंट नो द रीजन कि क्यों किया है. लोगों को ये ना लगे कि हमारी साइड से भी नेगेटिव फीलिंग है, नेवर बी फॉर हर. शी वॉज वेरी क्लोज टू अस, बोथ ऑफ अस एंड द एंटायर ग्रुप, बट जो भी है, I don't know, you want to say something? For me also, I feel that अरे that I don't express much about Anything. everything, Yeah. which doesn't mean that I don't feel anything, but also the whole whatever has happened is very unfortunate for एवरी वन ऑफ अस. मतलब वी नेवर थॉट दैट ऐसा भी कभी होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हो गया. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस नो द रीजन फॉर इट, बट देर इज नो बैड ब्लड कहीं भी, एंड आई डोंट फील कि वो कभी भी आएगा बिटवीन एनी ऑफ अस. हम सबके साइड से आई थिंक इवन देम सब यही चाहते हैं कि सबकी लाइफ एकदम खुशहाल हो और सब कुछ एकदम सॉर्टेड हो जाए. आई फील दैट इज नेवर द आइडिया फॉर एनी ऑफ अस. बट यस, फॉर मी ऑल्सो आई वुड नेवर नेवर. इट्स जस्ट दैट आई डोंट कम आउट हियर एंड एक्सप्रेस अ लॉट अबाउट व्हाट आई फील, बट इन जनरल आई वुड नेवर एवर एवर थिंक बैड फॉर एनीबडी. एंड आई फील लोग मेरे को इतना जानते नहीं है बिकॉज आई डोंट एक्सप्रेस मच ऑन द इंटरनेट कि मैं पर्सनली कैसी हूँ. एंड मैं अगर यार मेरे को पानी दे. सब जो भी क्वेश्चंस आ रहे, जो भी अजम्पशंस आ रहे अबाउट मी, इट्स रियली नॉट यू नो गोइंग वेल फॉर मी, क्योंकि मेरे को कुछ ज्यादा ही अभी अफेक्ट करने लगे हैं वो चीजें मुझे. आई यूज टू इग्नोर देम अ लॉट. मानव ऑल्सो नोज दैट कि मैं बिल्कुल अटेंशन देती ही नहीं थी वो सब चीजों को. बट इट सम टाइम्स आई एम स्टिल आई वोंट से कि मैं ऐसे बहक जाती हूँ वो सब चीजों में, बट सम टाइम्स देर इज जस्ट मे बी 10 मिनट्स इन अ डे मैं बैठ के सोचूंगी कि यार मैं ऐसे में ऐसी तो मैं हूं नहीं, तो लोग क्यों सोचते हैं मेरे बारे में. इट्स जस्ट दैट समटाइम्स 10 मिनट्स का वो जो पीस अवे हो जाता है उसके लिए आई थिंक इट वॉज नेसेसरी टू कम आउट हियर एंड टॉक अबाउट इट. बट अगेन देयर इज अगेन नो बैड ब्लड.
genuinely want the best for everybody. Because मानो और हम ऐसे है कि अगर हम है किसी के लिए तो हम 100 नहीं हम 200% है. कुछ भी हो for anything we will always be there. Also about her, I genuinely don't know what went wrong. She was like my sister and she will always be like my sister. I don't know why she is not talking to me. I don't know why she blocked me. Don't have an answer. आप लोग मुझे टैग करके पूछ रहे हो कि क्या हुआ, आप बताओ क्या हुआ. I genuinely don't know कि what went wrong. I don't have an answer for that. जितना shocking है आप लोग के लिए उससे double shocking मेरे लिए है because I genuinely don't know what went wrong. I genuinely don't know the reason for it. So it's a very simple thing, guys. मतलब मेरे को नहीं समझ आता है why the hate to her or to me also or to anyone in the group. If you ask them also, if you ask anybody, there is no reason from our side. मेरी उन्नति की तो कभी किसी के साथ हुई भी नहीं है. ऐसा होना कि हमारे साथ लड़ाई हो. If you are stating or commenting ऐसा कि हमारी कारण कोई छोड़ के गया या फिर हमने कुछ किया, हमारी साइड से there's never ever been a single argument जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ हो. सो वो नहीं समझ आता. हम बस टारगेट हो जाते हैं, मैं और उन्नति हमेशा, जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं. हम करना चाहते हैं बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो उसका क्या होगा? कुछ लोग फिर भी गलत बोलेंगे तो इसलिए हम बात ही नहीं करते इस चीज. कॉन्वर्जेशन ही ना, कॉन्ट्रोवर्सी किसी को करने का मौका ही ना मिले. हमारे माइंड में वैसा रहता है कि हम इसका अपना रखें ही ना पॉइंट. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा बुरा लगता है कि क्यों उन्नति को क्यों हेट मिल रहा है फालतू में. मतलब कुछ है ही नहीं, सेंस ही नहीं है. शी इज ऑलवेज थॉट अबाउट एवरीवन. ये मैं हजार बार बोल चुका हूँ एंड वो मेरे को नहीं समझ आती और कभी कभी ऐसा बुरा लगता है. इसलिए आके बस क्लियर करनी थी बात. एंड हमारी साइड से अगेन टू एनीवन ग्रुप में जो है, जो अभी नहीं है, जैसा भी है, जिनसे बात नहीं होती, जिनसे बात होती है, देयर इज 0% नेगेटिविटी और हेट टू एनीवन. दे आर ऑलवेज गोना बी स्पेशल. इधर इट्स एडी, आशना, मरूनू, अनी, एनीवन इन द ग्रुप. हमारी साइड से किसी के लिए भी 0.5% हेट भी नहीं है. एंड वी लव अगर वो हमसे बात करते हैं आके या फिर कुछ भी होता है, हम खुशी खुशी करेंगे. यू डोंट नो गाइज, हम रूनू से भी आई थिंक हम 2-3 बार ही मिल चुके हैं उसके बाद. एंड इतनी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई है हमारी. शी मेट न्यूयॉर्क में रूनू मिली थी हमें, फैबी की वेडिंग में वहां पे हमें मिली थी. एंड इतने अच्छे से हमने बात की है, हमने पूरा कॉन्वर्जेशन किया. वी हैव टॉक्ड अबाउट आवर लाइव्स, व्हाट्स हैपनिंग. ट्रस्ट मी, इट फील्स गुड बिकॉज हमें पता है कि हमारी तो कभी किसी के साथ हुई नहीं है बहस. तो वो पूरा ब्लेम हम पे आना जस्ट बिकॉज हम है ग्रुप में, दैट इज अनबिलीवेबल एंड मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा. ट्रस्ट मी, अगर हमारा आप पूछोगे ना, रिलेशनशिप हमारा साथ में आने की सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पॉइंट क्या था, इट वॉज कि हम अपने फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा केयर करते हैं जितनी मैं करता हूँ. एक बार अगर मैं अटैच हो जाता हूँ उतनी उन्नति करती है जब वो अटैच हो जाती है. तो दैट्स द मोस्ट वैसा पॉइंट जो हम दोनों को साथ में रखता है. एंड फॉर एवरी वन, फॉर ऑल आर फ्रेंड्स, वी ऑलवेज गोना बी देयर. एंड ये उनको पता है जो है अभी भी. सो देयर इज नथिंग नेगेटिव फ्रॉम आवर साइड. द अनफॉलो मैंने किया था उसका मैंने रीजन बता दिया है, बिकॉज वो मेरे को बहुत पता नहीं हर्ट की थी एकदम से बात, और वो मैंने उस लिए कर दिया था. वो आई थिंक गलत भी हो सकता है. वो ऐसा डिसीजन होता है कि बस हो गया मेरे से. एंड फिर मेरे को ऐसा भी लगा एक पॉइंट पे कि मेरे को नहीं करना चाहिए था, बट वो एक पॉइंट था कि मेरे को हर्ट की थी बात. बट देयर्स 0-0 बैड फीलिंग्स फॉर एनीवन. एंड आई थिंक बहुत लंबी बात हो चुकी है, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आई डोंट वॉन्ट एनी नेगेटिविटी और किसी को लगे कि हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं. We love you, seriously, there's no bad feelings for anyone. That's it. I just want to end the vlog here because it's too much of... जो मेरे को नहीं करना था वो हम कर रहे हैं, वैसा सा हो गया है. बट ठीक है, मतलब ठीक है. There's no bad feelings. So guys, we trust, we are very simple. We're very simple humans and हमारी साइड से कभी भी किसी के बारे में भी नेगेटिव. हम अपने एनिमीज को नहीं हेट कर पाते, सो दे आर द लाइक फैमिली. सो दैट्स इट. एंड द व्लॉग हियर. बाय, गुड नाइट.